जिसके लिए मैंने फेसबुक का इस्तेमाल किया था। ये जनाब आप देख सकते हैं, मेरी पहली वीडियोस पे 6 व्यूज़, 10 व्यूज़, 8 व्यूज़, इनके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया। ये व्हाट्सएप, ये व्यूज जो आए हैं ये व्हाट्सएप का ट्रिक मैंने इस्तेमाल किया था। तो असल जो गेम शुरू होती है जनाब वो यहाँ से होती है, इस वीडियो से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने वो वाला ट्रिक अपनी वीडियोस पे इस्तेमाल किया और उसके बाद मेरी वीडियोस वायरल हुई, तो ये वीडियो उसके बारे में, और मैं आपको अपने चैनल का विज़िट करवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सी वीडियो पे मैंने कौन सा ट्रिक इस्तेमाल किया था और उस ट्रिक से मेरी उस वीडियो पर कितने व्यूज़ आए और उसका नतीजा मुझे क्या मिला। तो उसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आपको अपने चैनल का विज़िट करवाता हूँ और अपने तमाम तजर्बात जो जो मैंने अपनी वीडियो के साथ किया और उसके बाद मुझे उसकी आउटपुट क्या मिली वो मैं आपको शो करवाता हूँ। लेकिन उसके से पहले रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं भी नया यूट्यूबर हूं और अपने जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूं, जो नई चीज़ का मुझे पता चलता है वो आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप भी उसे फ़ायदा उठा सकें और अगर वो नुकसानदेह है तो आप उससे बच सकें। तो चलते हैं जना मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी वीडियोज़ के साथ कौन कौन से ट्रिक्स किस वीडियो के साथ इस्तेमाल किए और उसके बाद उस वीडियो पर क्या असरात आए उसके। ये जनाब आप देख सकते हैं मेरे चैनल का जो वीडियो लिस्ट वाला पेज, इस पे मेरी तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वीडियो पे कौन सा ट्रिक इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उस पे कितने व्यूज़ आए और क्या फ़र्क पड़ा। ये जनाब आप देख सकते हैं, मेरी पहली वीडियोज़ पे 6 व्यूज़, 10 व्यूज़, 8 व्यूज़, इनके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया। ये वीडियो सिर्फ अपलोड की थी और उनके बाद ये पता नहीं यूट्यूब ने कितने बंदों को भेजी, वहाँ से कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आया और मेरी वीडियोस 6 और 10 और 8 व्यूज़ पे ही रुक गई। उसके बाद ये आप देख सकते हैं 174 व्यूज़ वाली वीडियो, ये मैंने इस्तेमाल किया था ट्रिक कि मुझे किसी ने बताया था कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, जिसके लिए मैंने फेसबुक का इस्तेमाल किया था, क्योंकि मुझे उसके बारे में यही बताया गया था कि आपने अपनी वीडियो से रिलेटेड जो फेसबुक पे पेजेज़ हैं उनका इस्तेमाल करना है, उन पेजेस को, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और अपनी वीडियो का लिंक वहाँ पर शेयर करना है। तो मैंने जनाब ये किया था, मैंने कम से कम को 150 के करीब ग्रुप ज्वाइन किए थे, 300 ग्रुप, 150-200 ग्रुप जो हैं वो मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे। वो कहते हैं कि वो क्या भेजा था, रिक्वेस्ट भेजी थी, उनमें से 150 बंदे ने मुझे अलाउ किया था ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। 150 ग्रुप में मैंने पोस्ट की और उसके बाद जब पोस्ट की तो कुछ ने मेरी पोस्ट डिलीट कर दी और जिन्होंने देखी वो कुछ आए कुछ नहीं आए। तो ये जनाब ये सोशल मीडिया यानी फेसबुक से ये व्यूज़ आए 174। और ये वाली जो वीडियो है ये 14 अगस्त के बारे में है, तो ये मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि आप जब कोई इवेंट चल रहा हो, जैसे वर्ल्ड कप वगैरह है या ईद आ जाती है, तो इस तरह के जो त्यौहार आ जाते हैं तो जिसके बारे में लोग उस वक्त यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं, आप इस तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो उसके वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये बात जब मुझे पता चली तो मैंने ये वीडियो बनाई, लेकिन इस पर भी व्यूज़ जो हैं वो जनाब आपके सामने हैं, सिर्फ 10 व्यूज़ आए हैं। और इसी से मिलते जुलते वीडियो मैंने यहाँ पे एक बनाई थी इससे पहले, वो थी गालबन 10 मुहर्रमुल हराम के बारे में, गालबन यहाँ पे होगी जनाब वो वाली वीडियो। ये वाली जो है वो 10 मुहर्रमुल हराम के बारे में मैंने 2-4 वीडियोस देखी उलमा कराम की, और वहाँ जो उन्होंने मुझे जो मुझे नॉलेज वहाँ से मिला वो मैंने एक वीडियो बना के यहाँ पे शेयर कर दी, लेकिन इस पर भी कोई व्यूज़ नहीं आए। और उसके बाद पीटीआई की फॉर्म फंडिंग केस का फैसला आना था तो मैंने उसके बारे में छोटा सा क्लिप बना के ये अपलोड किया था कि ये जो इवेंट्स हैं ये चल रहे हैं तो इन पे व्यूज़ आते हैं या नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक पे 22 हैं, इसके ऊपर जनाब 2 व्यूज़ हैं सिर्फ, और वो जो 14 अगस्त वाली थी उसके ऊपर 10 हैं। ये तरीका भी मेरा इतना नहीं चला। तो उसके बाद जनाब अगली वीडियो आ गई, इसके ऊपर कोई व्यूज़ नहीं यानी मैंने कुछ भी नहीं किया। ये व्हाट्सएप, ये व्यूज़ जो आए हैं ये व्हाट्सएप का ट्रिक मैंने इस्तेमाल किया था, व्हाट्सएप के ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए थे जो यूट्यूब से रिलेटेड होते हैं, यूट्यूबर्स के ग्रुप, तो मैंने तो वो इसलिए ज्वाइन किए थे कि मैं अपनी वीडियो का लिंक वहाँ शेयर करूँगा और व्यूज़ आएंगे, लेकिन वो तो किसी और ही मकसद के लिए थे कि
ये वाली वीडियो और उसके ऊपर ये वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, इन तीनों के लिंक मैंने उस ग्रुप में शेयर किए थे, और उसके बाद व्यूज़ जो हैं वो कम आए और ऑफर्स मुझे ज़्यादा आई। बहुत सारे लोगों ने कहा जनाब कि आप हमारी सर्विस लें, हम आपका चैनल मोनेटाइज करेंगे, आप इतने पैसे दें, हम आपको इतने व्यूज़ देंगे, इतने पैसे देंगे, सब्सक्राइबर देंगे वगैरह वगैरह। तो ये जनाब उसका नतीजा है। इसके ऊपर भी मैंने कुछ नहीं किया, इसके ऊपर भी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो व्हाट्सएप ग्रुप वाला ट्रिक लगाया था। तो असल जो गेम शुरू होती है जनाब वो यहाँ से होती है, इस वीडियो से। इस वीडियो पे मैंने जनाब स्टार्ट में 200 व्यूज़ का इंतज़ाम किया था। वीडियो अपलोड होने के बाद, पब्लिक होने के बाद 1 घंटे के अंदर व्यूज़ मैंने 200 ले लिए थे, और ये वीडियो चल रही है और 1041 व्यूज़ आ चुके हैं। सेम ट्रिक इस वीडियो पे इस्तेमाल किया था और ये भी उसी तरह चल रही है। 1666 के करीब इसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं और अब भी आ रहे हैं। और उसके बाद ये वाली जो वीडियो है इसके ऊपर मैंने स्टार्ट में जो थे व्यूज़ उसका इंतज़ाम कम किया था, यानी सिर्फ 100 व्यूज़ का मैंने अरेंज किया था, और उसके बाद ये वीडियोस मेरी जो है वो चल रही हैं। और सेम ट्रिक जो है वो मैंने इस वीडियो पे लगाया। ये वाली भी सोशल मीडिया का नतीजा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब मेरे व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, इन दो वीडियोज़ पे आए हैं तो इस पे भी आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं आए। सिर्फ इतना सा फ़र्क पड़ा है कि पहले कुछ भी कहीं भी शेयर नहीं करता था तो 10-12 व्यूज़ आते थे, और ये वाली जो वीडियो है कहीं भी शेयर नहीं की तो 220 व्यूज़ इस पे भी आ गए हैं। इतना चैनल को फ़र्क पड़ गया है। उसके बाद ये वाली वीडियो थी, इस पे भी मैंने 200 व्यूज़ का इंतज़ाम किया था, इसके ऊपर 100 का इंतज़ाम किया था, और ये सारी आप चेक कर सकते हैं, और ये जनाब आगे ग्रो कर रही हैं। ये वाली जो वीडियो है ना जनाब, ये यूट्यूब के लॉगरिथम में कहीं फंस गई थी। इंतज़ाम तो मैंने किया था 100 व्यूज़ का, वीडियो अपलोड होने के आधे घंटे बाद 100 व्यूज़ मेरी वीडियो पे आए थे, और उसके बाद यूट्यूब ने मेरी ये वीडियो चलानी शुरू कर दी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 100 व्यूज़ का ही ये नतीजा है कि ये 1100 के करीब पहुंच गई है, और अभी तक इसका जो CTR है वो भी 8-9% से ऊपर है, और ये आगे चलती जा रही है। तो ये जनाब मेरी वीडियोस की हिस्ट्री थी, और जिस वीडियो पे मैंने क्या ट्रिक लगाया और उस ट्रिक से मुझे कितने व्यूज़ मिले ये आपके सामने है। और अगर आप भी व्यूज़ लेना चाहते हैं तो आप भी मुझसे राबता कर सकते हैं, मैं आपके लिए भी व्यूज़ अरेंज कर दूंगा, मुझे आप पे कोई लालच नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी वीडियोस पे भी व्यूज़ आएंगे और हम इकट्ठे ग्रो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।